सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। गाइज, देखिए यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी को। पहले नंबर तो बता दूँ, जो जो कैंडिडेट्स रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया उनके ऑफिशियल नंबर पे, मतलब उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और उनके जीमेल पे। उनके लिए आपका ये अपडेट आ चुका है, मतलब कि ये तो ईमेल पे मैसेज आया सभी के कि आप SSR पे क्वालिफाई या डबल ए पे क्वालिफाई बेसिकली, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेनली अपना वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्या, मतलब जो रिजल्ट वगैरह गाइज आता है वो कैसा क्या इस बार सिस्टम है, क्योंकि ये ना नंबर शो करते हैं। वैसे बेसिकली नंबर शो करने चाहिए, जैसे कोई भी कैंडिडेट है, आप हैं, हम हैं, या फिर अदर्स कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे कि वो 100 नंबर का एग्ज़ाम देके आया है, और एयरफोर्स ने इस बार भी वही गेम कर दिया जो पहले प्रीवियस टाइम नेवी करता आ रहा था। नेवी तो पहले से भी करता आ रहा था, बट एयरफोर्स तो हमेशा शो कर देता था कि कट ऑफ कितने नंबर हमारा गया था और कितने नंबर जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा वीडियो लगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, एंड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नेवी एंड एयरफोर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिजिकल और मेडिकल रिलेटेड, भाई बेसिकली आज कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, नहीं तो किसी दिन आपके क्वेश्चन को मैं ज़रूर Q&A में पिक कर लूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गाइज। सो गाइज, देखिए यहाँ पे आपका ये एयरफोर्स का है और सितंबर 2019 पे है। आप सभी को पता होगा कि आप सभी का जो मतलब यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ है, किसी का भी डाउनलोड मतलब मार्क्स वगैरह तो सो ही नहीं किए, ठीक है। वो बंदा भी उसको भी नहीं पता पर कर पाया कि मुझे 0.25 से रुका है, या मेरा 0.5 से रुका है, या फिर मेरा 3 नंबर से रुका है, ठीक है, या फिर और ज़्यादा भी रुका है, या फिर मेरे माइनस में मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। बट बेसिकली बता दूँ कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनका पूरा ग्रीन है, और जिन्होंने नहीं किया, बट देखिए इसके पीछे मैंने कल वीडियो भी बनाया, तो कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि भाई झूठी दिलासा मत दिलाओ कि नंबर रिजल्ट में मेरा फिर से नाम आ सकता है, ठीक है। बट 1% बिलीव रखना, मे भी आपका आ सकता है, ठीक है, मे भी। भाई देखिए जहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट और है, एक कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेरी जानकारी में ही हैं, उनका एग्ज़ाम लगा था 24 अक्टूबर को, ठीक है, दिल्ली सेंटर पे, और गाइस उनका भी रिजल्ट आ चुका है और वो पास हो गए हैं। अभी मुझे सीन खुद नहीं समझ में आया कि क्या सिस्टम है, ठीक है। आज तो री एग्ज़ाम के लिए उन्होंने एडमिट कार्ड पहले तो मतलब डाउनलोड करा दिया, ठीक है, अब उसके बाद फिर से रिजल्ट दे दिया, तो अब वो बंदा परेशान है कि एग्ज़ाम देने जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है। मेनली टॉपिक पे मेरा यही था वीडियो कि मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसा सीन है। तो इस बार हुआ क्या सीन गाइज, अपने लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए हम लोग करते क्या है, कहीं एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम ही करते हैं, हम करते हैं, आप भी को बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हो कि नंबर पे कॉल करके पूछते हैं सर का रिजल्ट 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 कब आएगा, ठीक है। तो वो तो उनको डेट वैसे भी पता नहीं होती, वैसे आपने लोगों को ब्लेम क्यों करें, ठीक है। बट बेसिकली बता दूं कि दूसरे को भी यहाँ पे मतलब उन लोगों के ऊपर देखिए गाइस डिपेंड करता है, उन्होंने कट ऑफ वगैरह नहीं शो की जैसे प्रीवियस टाइम करते आ रहे थे, कट ऑफ शो करते थे कि एक्स ग्रुप का कितना कट ऑफ गया, वाई ग्रुप का कितना कट ऑफ गया, इनिशियल कितना कट ऑफ गया, किस सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कितने कैंडिडेट को पास किया गया। इस बार ये भी नहीं शो किया कि जो PSL आता है ना गाइस दोनों का बोथ का वो कितने कैंडिडेट्स पर बनता है, ये भी यहाँ पे इस बार नहीं शो किया है, ठीक है। यही सेम कंडीशन में एयरफोर्स की मैं बेसिकली बात करूँ, क्योंकि नेवी तो अपना बचपन से जब से हमने देखा नेवी तो यही करती आ रही है, ठीक है, क्योंकि पहले बचपन से तो नहीं है, सॉरी उसके लिए। बट यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो नेवी का था पहले तो ऑफलाइन होता था, जब एक दिन में ही सब कुछ हो जाता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। बेसिकली वो अलग है, मैंने भी दिया है और दो बार दिया है मेरा, दो बार, एक बार जालंधर सेंटर पे था, ठीक है, MH जालंधर में मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे जा चुका हूँ, एंड मेरा IPNPT हमेशा बेसिकली बताता रहता था। एंड नेक्स्ट अगर बता दूँ तो मैं मुंबई सेंटर पे भी जा चुका हूँ, मुंबई सेंटर पे मेरा री मेडिकल था तो नागपुर पे, तो वहाँ पे भी मेरा अनफिट हो गया था, ठीक है। तो आई पे तो अभी तो मैंने ट्राई करना बंद कर दिया है, बेसिकली अभी भी मेरा एज है बट इसका, ठीक है। पेपर इस बार भी मैंने दिए थे। एयरफोर्स का बात कर रहे हैं तो एयरफोर्स की तो बात हटा ही देते हैं, तो अभी ये कुछ सिस्टम है। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको कुछ, और गाइस फेस सेकेंड का आप सभी ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा, जहाँ जहाँ पे जिसका सेंटर हो बेसिकली आप सभी कर सकते हो, ठीक है, जिन जिन कैंडिडेट्स ने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नेवी का कुछ आपको सीन दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट गाइस। इतना तो नेवी नहीं अच्छा है कि यहाँ पे शो कर देता है, वैसे राजस्थान यहाँ पे अपने पास गलत है, ठीक है, राजस्थान का इतना कट ऑफ बताओ कितने कैंडिडेट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। प्लीज़ राजस्थान वाले अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो बताना, ठीक है, आपके लिए मुझे भी लगता है पहले से अपने पेरेंट्स को बता देते हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया, हाँ, या फिर किसी को भी बता देते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स वैसे बताना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है किसी को बताना नहीं चाहिए जब तक इंडियन एयरफोर्स में आपको एक मंथ की सैलरी ना मिल जाए। इंडियन नेवी का तो मैं नहीं कह सकता, बट इंडियन एयरफोर्स पे कह रहा हूँ कि भाई कभी किसी को मत बताना कि मेरा रिटर्न निकल गया, ना किसी दोस्त को, ना किसी रिलेटिव को, ना किसी को,
ठीक है, अपना पढ़ाई करो, जब ज्वाइनिंग चले जाना ठीक है तभी बताना, क्योंकि एयरफोर्स ज्वाइनिंग पे भी ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल होकर अनफिट होकर आए हैं ठीक है। तो ये इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट मेडिकल पे चेक करते हैं, इतना भयंकर टाइप का मेडिकल करते हैं ना, बट बेसिकली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाले हैं, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बट फिर भी मैं नेवी को हमेशा सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने अच्छा किया इस बार ठीक है, नहीं निकला कैंडिडेट 41 नंबर लाया ठीक है, त्रिपुरा वाला 8 नंबर ला के उसका सिलेक्शन हो गया, ये भी मैं नहीं मानता राइट। अब ये कहाँ का राइट है, कहाँ की अथॉरिटी है ठीक है। अब कैंडिडेट कहते हैं तो ठीक है, डबल जो आर्टिफिशियल अपेंडिक्स का पोस्ट होता है ना, उसमें सभी के सभी हरियाणा एंड वाई वाले सेलेक्ट होंगे, हरियाणा एंड क्या बोलते हैं आपका जस्ट अ सेकेंड गाइस, देखिए उसमें हरियाणा एंड यूपी वाले तो सिलेक्ट, मतलब यूपी की क्या बात करते हैं, हरियाणा एंड वहाँ का राजस्थान वाले ही सारे के सारे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि वैकेंसी ऑल इंडिया बनता है ऐसा कहा जाता है डबल ए का ठीक है। खुद मैंने वो किया है, वैकेंसी ऑल इंडिया बनता है डबल ए का, बट एक बात बता दूँ कि पहले उसका अलग ही पेपर होता था, अभी पेपर हो रहा है साथ में हो रहा है, तो मतलब कि वही कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनके ज़्यादा नंबर होंगे। तो जब 54 प्लस नंबर वहाँ हरियाणा वाले का कट ऑफ लिया जा रहा है, तो फिर हरियाणा वाले कैंडिडेट्स लिए जा रहे हैं। अब एक लॉजिक, ये 42 नंबर जो आए, एक लॉजिक भाई, ये लॉजिक है ठीक है, जिसके 42 नंबर आए हैं हरियाणा वाले की मैं बात करूँ, ये तो देखिए राजस्थान की कट ऑफ पे मत फोकस करना, मुझे पता है कि 54.25 गया है ठीक है, कि आप तो ये दिखा रहे हो, अपने पास स्क्रीन शॉट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे से कैंडिडेट्स ने शेयर किया है, एंड थैंक यू सो मच अगर आप उसमें से हो, नहीं भी हो फिर भी थैंक यू भाई। तो गाइस मैंने अभी उत्तर प्रदेश का खोल दिया ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का तो कट ऑफ इतना गया है। अब देखिए मान लेते हैं, देखिए डबल ए का ऑल इंडिया बनता है, अब डबल ए में एक कैंडिडेट हैं जिनके 54 नंबर आए हैं, उसका सिलेक्शन नहीं किया है, क्या उसका SSR पे सिलेक्शन होने वाला था, का SSR है मतलब कि 500 जितने कैंडिडेट हैं 57.5 जो यहाँ पे नंबर लेके आए 25 ठीक है हरियाणा पे, क्या मतलब बस यही कि यही 500 कैंडिडेट लिए जाएंगे डबल पे, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि 2200 वैकेंसी होती है, हरियाणा से 500 का सिलेक्शन होता नहीं है। कुछ नई का लॉजिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक है। और काफ़ी और बात करते हैं ऐसे, मतलब बात तो नहीं करते, बट एक मेरी जानकारी भी भैया हैं जो नेवी पे हैं ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा इस टॉपिक की। भाई बताइए अगर 54 नंबर है, मान लेते हैं कैंडिडेट के 54 नंबर हैं इस बार आए हरियाणा के, अभी भी है भाई स्क्रीनशॉट 54 नंबर ठीक है, 61 नंबर का स्क्रीनशॉट था, 51 नंबर, जैसे हरियाणा राजस्थान की बात कर रहे हैं तो 52 नंबर का स्क्रीनशॉट, 52.25 मैंने एक वीडियो पे भी शो किया था, बट कैंडिडेट के नंबर कितने आए थे, कट ऑफ बढ़ा दी 52.50, सिर्फ 0.25 उसका कम हो गया भाई, उसकी कुछ गलती नहीं थी। हाँ अब वो क्या करे, वो मतलब पैदा हुआ राजस्थान पे, पैदा हुआ यूपी पे, उसका डोमिसाइल है, अब तो काफ़ी मतलब ऐसे होंगे कि अब ये सोचने लगे होंगे कि भाई डोमिसाइल चलो बनाते हैं अभी त्रिपुरा का, अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का और असम का, वहीं चलते हैं, वहाँ पर बिना पढ़े भी हम इन्हें क्रैक कर पाएंगे। और गई देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और साउंड का प्रॉब्लम हो रहा, तो बेसिकली आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, नहीं तो मतलब बहुत देर से हो रहा है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना ठीक है, साउंड हो रहा है तो मैं तो रोक नहीं सकता ठीक है, इतनी अथॉरिटी नहीं है अपने पास, एंड जल्दी करते हैं कुछ ना कुछ सिस्टम। सो एंड तो देखिए मैं बता रहा था हाँ नेवी का, तो नेवी देखिए फिर भी नेवी का रिजल्ट काफ़ी लगता है अट्रैक्टिव टाइप में कि हाँ मतलब पास हुआ, ये देखिए पास जिनका दिखा रहा है, वो भी कैंडिडेट ये क्वेश्चन बहुत आज करते हैं कि सर मेरा रिटर्न एग्जाम पास दिखा रहा है बट मैं ये नहीं हूँ ठीक है, तो भाई नहीं हो क्योंकि आपका ये जो टोटल है ना ये वाला ये अभी आपका 23 आया है, जबकि आपका 42.50 से अधिक होना चाहिए था, तो ये रीजन होता है बेसिकली, तो आपको इतना नंबर, बट हमारी भी गलती होती है, हम सभी की गलती होती है भाई, हम क्या 100 नंबर में 50 नंबर नहीं ला सकते हैं, हमें हरियाणा और राजस्थान को हटा के बात कर रहा हूँ, 100 में 50 नंबर का पेपर नहीं कर सकते, इंडियन नेवी पे सेलेक्ट होने जा रहे हो, इंडिया की डिफेंस बेस्ट फोर्सेज में होने जा रहे हो, बेस्ट फोर्सेज में भाई, देखिए एयरफोर्स जहाँ तक ठीक है, एयरफोर्स मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस पे आती है, सेकेंड पे आती है मेरे अकॉर्डिंग ज्वाइन इंडियन नेवी, अगर आप पढ़ते लिखते हो ठीक है, अच्छा आपका अच्छा खासा रनिंग है, आपको इंडियन आर्मी के प्रति जोश है भाई, जरूर जाइए ठीक है, इंडियन आर्मी बेस्ट है ठीक है, सो सल्यूट है उन सभी को। बट गाइज अगर देखो ज्वाइन करना है तो फिर ज्वाइन इंडियन नेवी आपके मतलब नेवी बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, 500 वैकेंसी होता है, बट मुझे एक गेम अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो नेवी डबल एंड SSR का जो डबल ए का SSR का नहीं, ये कट ऑफ कैसे बनेगा, एक कैंडिडेट वाले में लिखा भी था कि 57.25 गया है कट ऑफ आपका डबल ए का, मतलब कि पूरे के पूरे कैंडिडेट जो होंगे सेलेक्ट वो हरियाणा के 500 सेलेक्ट होने वाले हैं आपका डबल ए, एंड डबल ए में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि हरियाणा के ही पूरे सेलेक्ट होंगे, अब इसके पीछे यही रीज़न है।
भाई अब अगर 57 नंबर कट ऑफ गया तो 57 से ज़्यादा नंबर केवल हरियाणा वाले कैंडिडेट्स के आए हैं कुछ के। अच्छा हाँ लॉजिक हो सकता है, मे भी हो सकता है, सेंस आया कि इतना तो इनिशियल गया, बट राजस्थान से कुछ ऐसे आते होंगे जिनके नंबर राजस्थान से, लेकिन त्रिपुरा वालों का नहीं होगा ना, त्रिपुरा वाले कभी ला पाएंगे 80 नंबर मतलब 60 नंबर मुझे नहीं लगता। बेसिकली अगर आते हो आप त्रिपुरा से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, असम से, तो भाई सॉरी बट गलत मत समझना, मैं बता रहा हूँ बेसिकली आपका 8 नंबर कट ऑफ गया है, ठीक है। और 8 नंबर के अकॉर्डिंग गुजरात पे हो, वेस्ट बंगाल से मान लेते हैं गुजरात का 20 नंबर कट ऑफ गया है, ठीक है। तो यहाँ के कैंडिडेट्स का स्कोर हो सकता है कि 60 नंबर वो स्कोर कर पाए, ठीक है, अच्छी बात है। बट बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अब हरियाणा एंड यहाँ से राजस्थान एंड यूपी से सेलेक्ट होंगे आपका डबल ए पे, ठीक है। तो यही कुछ सीन था, मुझे लगा आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जैसी लगे आप ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।